हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की मेरी वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो ये कि कैसे आप CSR नेट जून 2024 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल में आपकी आंसर की आई है और उसके बाद से कई बच्चे हैं और आप में से ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो मुझे मेल कर रहे हैं कि आपके कम मार्क्स बन रहे हैं या नेगेटिव बहुत हो गए या आपने प्रिपरेशन अभी ढंग से नहीं की थी और या आपने जब पेपर देने के बाद देखा तो आपको ऐसा लगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है या स्ट्रेटेजी है वो इनफ नहीं है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए कि आगे उनका एग्ज़ाम जो होने वाला है या होएगा वो बहुत अच्छा जाए। तो इसके रिगार्डिंग आज मेरी ये पूरी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे अपनी गलतियों को सुधारना है और क्या चीज़ें अब की बार जो आपने ध्यान रखनी है और बिल्कुल स्टार्टिंग से आप कैसे स्टेप लें कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा जाए आने वाला और आपका GRF और नेट इस बार तो निकल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपके चाहे कम मार्क्स बन रहे चाहे नेगेटिव मार्क्स बन रहे तो आप इन बातों को भूल के आप नए सिरे से शुरुआत करिए और देखिए आपकी गलती क्या है। और इसीलिए मैं स्टार्टिंग से अगर आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि क्या आपने जो तैयारी की है वो प्रॉपर वे में की थी। प्रॉपर वे इन द सेंस, तो सबसे पहली चीज़ है क्या वो आपने किया, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका कंटेंट फिक्स था कि नहीं था। अगर आपका कंटेंट फिक्स नहीं है, आप इधर उधर घूमते रहे, आधा यहाँ से पढ़ा आधा वहाँ से पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता आपका GRF कभी हो पाएगा या आपका नेट कभी निकल पाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपना कंटेंट फिक्स करिए और कंटेंट फिक्स करने के लिए आप पे बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से दो तीन मैं आपको बताता हूँ। एक तो चाहे आप किसी कोचिंग के तरफ जाएँ, दूसरा या तो आप अपने नोट्स से तैयारी करें, तीसरा या आप बुक से पढ़ें और उसी से नोट्स बनाएं और उसको ही अच्छे से रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। तो अब आते हैं सबसे पहले तरीके में। अगर आप कोचिंग ले लेते हैं और या आप कोचिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट मुझे आपके लगता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और या प्रॉपर वे में आप तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप सजेशन की बात पूछते हैं, फ्रेंड्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, फिजिक्स वाला ने CSR नेट की कोचिंग स्टार्ट कर दी है और जैसे कि आपने देखा है फिजिक्स वाला का पहले से ही बहुत अच्छा नाम है नीट में और JEE में और UPSC अदर्स कोचिंग में भी, वैसे ही CSR नेट GRF की उन्होंने कोचिंग स्टार्ट की जिसमें आपका शोध जून बैच 2024 और शोध प्रो बैच जून 2024 स्टार्ट है। तो आप देखेंगे इसमें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, साथ में आपके एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी जो आपको पढ़ाएंगी जो अपने अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है। सेकंड, आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे। तीसरा, आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ में आपसे एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटेजी भी डिस्कस होगी कि कैसे आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। अगर आप शोध प्रो जून 2024 बैच लेते हैं तो इसमें आपको पहली वाली फैसिलिटीज़ तो सारी मिलेंगी, साथ में आपको आने वाले CSR नेट के जो भी बैच आएंगे उनका एक्सेस मिलेगा और साथ में आप टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेंगी और साथ में अपनी प्रोग्रेस भी आप चेक कर सकते हैं कि आप कितना बेटर कर रहे हैं और क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक परफेक्ट बैच आपके सामने और काफ़ी अच्छा ऑफर इसमें चल रहा है। आप देख सकते हैं ये बैच आप 3999 और 5999 में परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं जहाँ से आपको एक एडिशनल 500 का ऑफ मिलेगा जो है PRD 500। तो मैं कहूँगा आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। तो इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएंगे और साथ में मेरा कूपन कोड भी दिख जाएगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि अगर आप नोट्स के थ्रू जाना चाहते हैं कि अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो देखिए मैं कहूँगा अगर आप नोट्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही ऑथेंटिक हो और जो आपने स्टार्टिंग से बना रखे हों। तो स्टार्टिंग से देखिए नोट्स अगर आपके रहेंगे तो ही बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि अगर नोट्स आपने खुद नहीं बनाए तो आप बुक के थ्रू ही नोट्स बनाएं और बुक में आप बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें, जैसे आपकी क्लीडन हो गई, कैरोथर हो गई, पूरी शर्मा पठानिया हो गई, आपकी हाउस क्राफ्ट हो गई, मतलब इस टाइप की बुक, मिसलैन टार हो गई, इस टाइप की बुक्स आप पकड़ें और उनसे नोट्स बनाएं। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, सिलेबस में जाना पड़ेगा और सिलेबस टू सिलेबस बुक से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये एक और तरीका है। अब साथ में जब आप नोट्स पूरे बना लेते हैं या आपने जब सिलेबस का काम पूरा कर लिया है तो तीसरी चीज़ जो आपको हो जाती है वो ये है कि आपके प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर क्वेश्चन होने चाहिए। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए वैसे तो आप जब प्रीवियस ईयर करते हैं तो वही इतने इनफ क्वेश्चन होते हैं कि आप उन्हें भी करेंगे तो आपका CSR नेट की अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, पर जब तक आप उसको 5-6 टाइम्स नहीं कर लेते मिनिमम
या 3 to 4 times, तब तक मुझे लगता है आपकी प्रिपरेशन नहीं होती। आप लोग यही गलती करते हैं, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो एक बार लगाते हैं, दो बार लगाते हैं मैक्सिमम, और उसके बाद आप तो उनकी प्रैक्टिस करना भी छोड़ देते हैं, और क्या आपने सीखा था वो भी आप भूल जाते हैं क्योंकि टाइम इतना हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा आप कम से कम 4 to 5 times तो कम से कम करें। नेक्स्ट है, देखिए जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको जो एनजाइटी आती है या अप एंड डाउन्स आते हैं कि कभी आपका कोई लेक्चर रुक गया, छूट गया जब आप कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, या कभी आपसे कोई सवाल नहीं हुआ, या कोई सब चैप्टर ऐसा आ गया जो काफ़ी हार्ड आपके पढ़ रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप हार मान लेते हैं। तो ये भी एक गलती है कि आप बीच में जब मिड वे में अपनी प्रिपरेशन छोड़ते हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता। तो मैं कहूँगा अपनी प्रिपरेशन आपको पूरी कंटिन्यू रखनी है, और जो भी अप एंड डाउन्स आने उनको साथ में लेके चलना है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं होता कि कोई परफेक्ट होता है, उसको सारे चैप्टर आ जाते हैं, सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि कुछ चीज़ ऐसी भी होंगी जो आपको नहीं आ पाएंगी, और ये इतने अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे जितना कोई और कर पा रहा है। तो हर चैप्टर की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है, आप उसे फॉलो करिएगा। नेक्स्ट है, आपको क्या करना है कि जब आप सिलेबस कर लेंगे, आप क्वेश्चन कर लेंगे, तो उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज जरूर देनी है। टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि आप टेस्ट कर पाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं, और एग्ज़ाम में जब अगर आप बैठते हैं तो क्या गलतियाँ हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, और क्या मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हैं, तो आप उनको कम से कम रिमूव कर सकते हैं पहले ही। और इससे आपको कैलकुलेटर की प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइमिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने नेगेटिव मार्क्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। चौथा, आप देख लेंगे कि आपके सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, और पांचवा, आप ये भी देख लेंगे कि आपको कौन सा पार्ट पहले करना है। मतलब आपकी पूरी एग्ज़ाम डे की स्ट्रेटेजी बन जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसीलिए आप टेस्ट सीरीज ज़रूर देंगे। ये भी कई बच्चे गलती करते हैं कि टेस्ट सीरीज नहीं देते, इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो रह जाता है। नेक्स्ट है, मैं आपको ये कहूँगा कि आपने जब सिलेबस भी कर लिया, प्रिपरेशन भी कर ली, टेस्ट सीरीज भी दे दी, उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि अब आपको कोई भी नए बैच की तरफ, कोई भी नए तो उसके बाद आपको किसी भी नए नोट्स की तरफ, नए क्वेश्चन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन से भटके ना, और अपनी कंटेंट पे स्टिक रह के एग्ज़ाम दे सकें, क्योंकि यही होता है लास्ट मोमेंट में जब आप चीज़ों को चेंज करते हैं या चीज़ों में उलझते हैं, तो आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस खो देते हैं, और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम जो होना होता है वो रह जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आपको एक ही चीज़ में फिक्स रहना है, चाहे वो आपको कोचिंग लेके हो, चाहे आपको नोट्स लेके हो, चाहे आपको बुक से हो। तो कोचिंग के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप PW स्किल्स बाय फिजिक्स वाला ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।